उदयपुर में सनकी टीचर का खूनी खेल, एक तरफा प्यार में महिला टीचर की चाकू से गोद कर हत्या, आरोपी ने खुद भी काटी नसें, आक्रोशित लोगों ने करवाया बाजार बंद। जोधपुर के पावटा में पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद हंगामा, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर बरसाए डंडे, तो लोगों ने भी कर दी पुलिस वाले की पिटाई, आरोपी पुलिस वाले ने मांगी माफी। नागौर के टूंडिया गांव में बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद, चार दिन बाद भी नहीं हुआ महिला का अंतिम संस्कार, आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े गांव के लोग। जयपुर में आईपीएल के शिफ्ट होने पर सस्पेंस बरकरार, कल होगी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जयपुर के साथ कई और जगहों पर होगा विचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष परनामी का कांग्रेस पर हमला, कहा कॉप्टर घोटाले के बाद बौखला गई है कांग्रेस, बौखलाहट में ही सीएम राजे पर लगा रही आरोप। उदयपुर के मावली के विधायक दली चंद डांगी भी दे रहे हैं दसवीं की परीक्षा, परीक्षा केंद्र पर बने आकर्षण का केंद्र, होम साइंस का दिया पर्चा। चूरू के तारानगर में फिर से मानव तस्करी का मामला, असम की लड़कियों का किया जा रहा था सौदा, एक ही युवती की करवाई गई दो बार शादी, करवाया जाता था देह व्यापार। अगस्ता डील में अमित शाह का सोनिया गांधी पर वार, कहा डरती नहीं तभी तो हुए, यूपीए में खूब घोटाले, अब देश को बताएं घूसखोरों के नाम। आप किसी से डरती नहीं है और इसीलिए इस तरह के मामले बाहर आते। मेडिकल में दाखिले के लिए देश भर में अब एक ही परीक्षा, इसी सत्र से लागू होगा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, दो फेज में होगी परीक्षा, एक साथ आएंगे रिजल्ट। और जी राजस्थान न्यूज के स्टूडियो में पहुंची फिल्म वन नाइट स्टैंड की स्टार कास्ट, एक्टर सनी लियोनी, तनुज वीरवानी और डायरेक्टर जैस्मिन डिसूजा ने बताया फिल्म से जुड़े खट्टे मीठे पल, लाइव शो के दौरान सनी लियोनी ने की जमकर मस्ती।